हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनक दोस्तों मैंने साइलेंस कैन यू हियर इट नाम का एक फिल्म देखा है जी फाइव पर नॉट अ बैड फिल्म एट ऑल दोस्तों इट्स अ वेल मेड हु डन इट अच्छा खासा थ्रिल सस्पेंस मिस्ट्री सब कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा और सबसे बेस्ट इसका स्क्रीन प्ले लगा मुझे दोस्तों क्योंकि द स्क्रीन प्ले कीप्स यू गेसिंग इट मेक्स यू प्ले द गेसिंग गेम एज अ व्यूअर वैन यू स्टार्ट वॉचिंग द फिल्म You know, the moment the murder happens and the police enters to investigate, that is Manoj Bajbe, who is the lead police officer in this. You, as a viewer, you start guessing as to who the killer could be. So that is the magic of this screenplay. It keeps you guessing, and at no point does the story and screenplay look predictable. It's quite difficult to predict who the actual killer could be. And just like knives out. शक का जो सुई है वो अलग अलग लोगों पर घूमता है एंड देट फॉर यू यू नो कीप मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इट्स लाइक प्लेइंग अ गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन फिर फाइनली वो फर्स्ट पर्सन यू नो ऐसा घूमता रहता है घूमता रहता घूमता रहता है फिर फाइनली जब किलर का आइडेंटिटी रिवील होता है दैट अनप्रडिक्टेबल नेचर एंड द वे इट इज रिवील्ड हैज टू हू द किलर इज इट विल नाइसली शॉक यू एंड सरप्राइज यू इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल एट ऑल तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और परफॉर्मेंसिस की अगर मैं बात करूँ मनोज वाजपेये साहब नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर में क्या बताऊ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और खासकर उनका जो इंट्रोडक्शन हुआ इस फिल्म में जिस तरीके से हुआ है सो फुल क्रेडिट टू द डायरेक्टर अवन भरूचा फॉर इंट्रोड्यूसिंग मनोज बाजपे इन अ नाइस फैशन एक दमदार दबंग अवतार में उनको इंट्रोड्यूस किया है नो नॉनसेंस कॉप जो कभी कुछ नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करता है अच्छा इंट्रोडक्शन एंड मनोज वाजपेयी साहब का पंच लाइन डायलॉग डिलीवरी सब कुछ ए वन टॉप क्लास था यार सुपर मज़ा आ गया प्राची देश, प्राची देश देसाई यार उनका कुछ मेरे को रोल कुछ खास लगा नहीं ऑथर बैक रोल तो था नहीं वो है नहीं है इट वुड इट वुडेंट हैव मेड एनी डिफरेंस टू दिस फिल्म एट ऑल और बहुत कोमल लगी शी प्लेज अ पुलिस ऑफिसर बहुत कोमल कोमल सॉफ्ट सॉफ्ट लगी यार जमा नहीं उनका ये रोल इस पर्टिकुलर फिल्म में मुझे साहिल वेद अगेन इनकरेक्ट कास्टिंग कौन से एंगल से वो पुलिस ऑफिसर लग रहे थे और थोड़ा कॉमेडी करने की कोशिश करते साहिल वेद कुछ खास नहीं लगा उनका एक्टिंग इसमें वकार परफेक्ट कास्टिंग एज द पुलिस ऑफिसर बट अंडर यूटिलाइज ही कुड हैया ऑफ सी लाइक द परफेक्ट असिस्टेंट ऑफिसर इन दिस केस टू मनोज बाजपेई हेल्पिंग मनोज बाजपेई बट उतना यूटिलाइज नहीं किया उनको यूटिलाइज करना चाहिए था इसके अलावा शिशिर शर्मा अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने एंड बरखा सिंह गुड एक्टिंग अर्जुन माथुर वेरी वेरी नाइस बहुत अच्छा लगा उनका एक्टिंग भी अच्छे लग भी रहे थे इसमें गरिमा याग्निक इनको मैं लास्ट एक वेब सीरीज में देखा था बहुत अच्छी एक्ट्रेस है अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस है डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छा लगता है बट आई थिंक इनका जो टैलेंट है ना वो टैलेंट के हिसाब से उनको वो प्रोमिनेंट रोल्स करना चाहिए ऑथर बैक रोल्स करना चाहिए इतना बड़ा रोल नहीं था बट जितना भी था अच्छा एक्टिंग किया इन्होंने भी गरिमा याग्निक ने भी ओवरऑल अ नाइस डिसेंटली मेड थ्रिलर जाकर देखो बिल्कुल कोई वलगर सीन्स नहीं है तीन चार गाली गलो इधर उधर है बट नथिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्ट सो आई थिंक यू कैन परफेक्टली वॉच इट विद फैमिली एंड कीप गेसिंग एज टू हू द किलर कुड भी चलिए दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम मीओ रेटिंग आई एम गोइंग विद थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स फॉर दिस फिल्म साइलेंस कैन यू हियर इट लेकिन वट इज योर टेक व्हाट इज योर ओपिनियन आपका राय क्या है फॉर द मोमेंट टाटा